हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई रिक्रूटमेंट की अपडेट लेकर। जैसा कि हर बार मैं आपको एक नई रिक्रूटमेंट से अवगत कराता रहता हूँ हमारे चैनल पर, तो आज मैं फिर एक नई रिक्रूटमेंट की अपडेट लेकर आया हूँ आपके लिए। जी हाँ, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि एमपी व्यापम रिक्रूटमेंट निकाली, यानी 17,000 बंपर पोस्ट पे टीचर की भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट निकाली है। अगर आप करियर बनाना चाहते हैं टीचर बनकर, तो आपके लिए बेहद ही सुनहरा मौका है दोस्तों, आप अपना करियर बना सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एमपी व्यापन में टीचर, हाई स्कूल की टीचर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कितनी एज होनी चाहिए, तो वो सब मैं आपको बताऊंगा आज के हमारे इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर नहीं किया है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, तो जल्दी करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो सके। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जैसा कि गाइस मैंने आपको बताया कि एमपी व्यापन ने रिक्रूटमेंट निकाली 17,000 पोस्ट पर हाई स्कूल टीचर्स के लिए। सो गाइस, इसमें आपको बता दूं मैं कि इसकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है वो 11 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है, अभी कल से स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 25 सितंबर तक चलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपके पास एक सुनहरा मौका है, आप 11 सितंबर से 25 सितंबर के बीच अपने फॉर्म भर सकते हैं इस जॉब के लिए, क्योंकि आप अपना करियर बनाना चाहते हैं टीचर बनकर, तो बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका निकाला है एमपी सरकार ने आपके लिए। और इसकी मैं डेट्स आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया 11 सितंबर से इसकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 25 सितंबर तक चलेंगे, और इसकी जो एग्जैक्ट डेट है वो निर्धारित की गई 29 दिसंबर की इसकी एग्जैक्ट डेट निर्धारित की गई। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसमें जो एज लिमिट है और एजुकेशन क्राइटेरिया वो क्या क्या होगा आपका, मैं बता देता हूँ। जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि एमपी सरकार ने बंपर भर्ती निकाली टीचर्स के लिए, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो बेहद ही सुनहरा मौका है दोस्तों, अपने हाथ से जाने ना दें मौका, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है और बंपर वैकेंसी बहुत ज्यादा है, तो आप अपना करियर बना सकते हैं इसमें एज ए टीचर के तौर पर। तो गाइस, इसकी जो एज लिमिट है मैं आपको बता दूं कितनी है, 21 साल से लेकर 40 साल तक के उम्मीदवार इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, 21 साल से लेकर 40 साल तक के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। और हाँ, इसमें एज इलेक्शन भी दिया जाएगा, वो एज इलेक्शन क्या है मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी अथवा पीएच कैटेगरी की जो उम्मीदवार है, यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, पीएच कैटेगरी जो उम्मीदवार है, इनको एज इलेक्शन भी दिया जाएगा, यानी कि सरकार द्वारा उम्र में छूट दी जाएगी, जिसकी जानकारी आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, तो आप वहां से इसकी जानकारी ले लें, ठीक है। इसके अलावा अब हम जानते हैं कि इसके लिए जो एजुकेशन का क्राइटेरिया रखा गया है वो क्या है। जैसा ही गाइस मैंने आपको बताया कि ये जो जॉब निकाली है, वैकेंसी निकाली है एमपी सरकार ने, वो निकाली है हाई स्कूल टीचर के लिए, तो जाहिर सी बात है टीचर के लिए जो एजुकेशन क्राइटेरिया रखा गया है वो मैं आपको बता दूं क्या है। इसका जो एजुकेशन क्राइटेरिया है वो है कि आपको एक तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, और बीएड की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, यानी ये दो होना चाहिए आपके पास, तब जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि टीचर बनने के लिए जाहिर सी बात है गाइस आपको पता है बीएड करना जरूरी है टीचर बनने के लिए, तो बीएड की डिग्री होनी चाहिए प्लस ग्रेजुएशन होना चाहिए, ओके। तो ये थी इसकी एजुकेशन क्राइटेरिया। अब हम आगे जानेंगे कि इसके लिए जो ये जो पोस्ट निकाली है 17,000 जो पोस्ट निकाली है एमपी सरकार ने, एमपी व्यापन ने हाई स्कूल टीचर्स के लिए, तो इसके लिए एक शुल्क निर्धारित किया गया है, यानी कि इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपको एक शुल्क के तौर पर छोटा सा अमाउंट पे करना पड़ेगा। वो कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि शुल्क बताया मैंने आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। जनरल और ओबीसी के लिए जो फीस है वो है ₹500, ठीक है, ₹500 जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए फीस रखी गई इस पोस्ट के लिए। अगर आप एससी, एसटी या ओबीसी तो इन दोनों पर पीडब्ल्यूडी और पीएच कैटेगरी में आते हैं तो आपको मात्र ₹250 का भुगतान करना होगा, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो ₹500 देने होंगे आपको। अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, पीएच कैटेगरी में आते हैं तो मात्र ₹250 देने होंगे, और इस शुल्क का भुगतान आपको ऑनलाइन तरीके से ही करना होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई बैंकिंग से कर सकते हैं आप,
ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गया पूरा प्रोसेस, अब हम जानेंगे कि आपको इसमें सिलेक्शन कैसे होगा दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत ही सिंपल सा है। इसके लिए आपका सिलेक्शन जो किया जाएगा वो आपका बेस्ड ऑन एग्जाम, यानी एग्जाम के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। एग्जाम बेस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा इस जॉब के लिए। तो देर ना करें, जल्द से जल्द अपना फॉर्म भरें, क्योंकि मैं आपको बार बार रिमाइंडर करा रहा हूं इसकी डेट्स बहुत कम है और वैकेंसी बहुत ज्यादा है, यानी 25 सितंबर तक की लास्ट डेट है। तो आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कल से इसकी भर्ती स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो ये तो थी इसकी जानकारी कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। अब हम जानेंगे कि इसमें आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन तरीके से अप्लाई करना होगा, वो मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ उससे पहले। लेकिन आप इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो नोट डाउन कर ले प्लीज। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है peeb.mponline.gov.in, ठीक है। peeb.mponline.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, मैं आपको बता दूं। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लॉगिन करेंगे तो वहां पे आपको सेक्शन मिलेगा ये रिक्रूटमेंट का, ठीक है। आवेदन करने का सेक्शन मिलेगा, अगर दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, हिंदी में करना है इंग्लिश में करना है, जैसे भी करना है आप कर लेना, ठीक है। अगर आप हिंदी में करते हैं तो वहां पे आपको आवेदन का एक टैब मिलेगा, आवेदन के टैब पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप आवेदन के टैब पे क्लिक करते हैं तो आपको वहां पे एक लिंक दिया, एक लिंक मिलेगा कि एमपी व्यापन जो हाई स्कूल टीचर का जो रिक्रूटमेंट लिंक है वो मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करके अगर आप नए यूजर है तो आपको लॉग इन करना होगा, अगर आप नए यूजर नहीं है, अगर आपकी पहले से आईडी बनाई गई उस पर, तो आप उस आईडी से लॉग इन करें। लॉग इन करने के बाद आपको एक ऑनलाइन फॉर्म खुलेगा, ऑनलाइन फॉर्म खुलने के बाद आपको उस फॉर्म में दी गई जो भी जानकारी है, जैसे कि आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एजुकेशन क्राइटेरिया या आपका एक्सपीरियंस वगैरह, व्हाटएवर जो भी उसमें पूछा गया है वो आपको फिल करना होगा। फिल करने के बाद आपको एक फोटो, अपना पासपोर्ट फोटो जो अपडेटेड हुआ अभी तुरंत अपडेट किया हुआ वो फोटो और एक सिग्नेचर आपको अपलोड करनी होगी स्कैन करके, और जो भी दस्तावेज उसमें मांगे गए हैं आपसे, जैसे कि आपका मैंने एजुकेशन क्राइटेरिया बताया, तो जैसे बात एजुकेशन का सर्टिफिकेट मांगेंगे और एक्स्ट्रा से एक्सपीरियंस वगैरह उसका सर्टिफिकेट वगैरह, तो आपको स्कैन करके अपलोड करना होगा। और वो सब प्रोसेस करने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया इसका जो फी पे करने का ऑप्शन है वो गाइस ऑनलाइन होगा, ठीक है। ऑनलाइन डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या ई मित्र, ई बैंकिंग कैसे भी कर सकते हैं आप। जो फीस का क्राइटेरिया है, जिस क्राइटेरिया में आप आते हैं वो फीस पे करें। फीस पे करने के बाद आप फाइनल सबमिशन पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें, प्रिंट आउट निकालने के बाद फॉर्म को संभाल कर रखें, क्योंकि गाइस मैंने आपको बताया इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, इस जॉब का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो रिटर्न वो एग्जामिनेशन पे होगा। तो उसके लिए आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए जाहिर सी बात है एप्लीकेशन नंबर चाहिए होंगे, तो फिर कहां खोजेंगे आप। इसलिए आप एप्लीकेशन फॉर्म को संभाल के रखिए ताकि फ्यूचर में आपके काम आ सके वो। सो गाइस ये तो थी इसकी रिक्रूटमेंट की पूरी जानकारी जो मैंने आपको दे दी है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बहुत सुनहरा मौका, बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। आप टीचर बनना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं टीचर बनकर, तो आप जल्द से जल्द अप्लाई करें, क्योंकि 25 तारीख इसकी लास्ट डेट है और वैकेंसी, बंपर वैकेंसी निकाली है एमपी व्यापन ने 17,000 पोस्ट, वो भी हाई स्कूल टीचर के लिए। सो गाइस देर ना करें, जल्द से जल्द अप्लाई करें, ओके। तो ऐसे रिक्रूटमेंट की और भी ब्रेकिंग न्यूज, अच्छी अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। उसके लिए आपको करना होगा सब्सक्राइब हमारा चैनल, तो जल्दी करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, उनको भी इसकी जानकारी मिले। सो गाइस अभी के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।